इस फिल्म की कहानी तीन प्यासी नंस के बारे में है जो रेगिस्तान में पानी की तलाश में होती है। अब ये कौन सी प्यास है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है द लिटिल आवर्स। फिल्म की शुरुआत सिस्टर फर्नांडा से होती है जो कि अपने साथ एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जेनेवरा से होती है। वो फर्नांडा से पूछती है कि तुम कल रात को कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो इस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जेनेवरा फिर पूछती है कि हर रोज ये गधा भाग कैसे जाता है। दोनों के बीच ये सब बातचीत चल ही रहा होता है कि वहाँ पास से गुजर रहा गार्डनर लुड़को उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उसे उन सिस्टरों से गालियाँ सुनने को ही मिलती है। जेनेवरा हेड सिस्टर मारिया से गधे के बारे में कंप्लेन करती हुई दिखाई देती है। वो कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। अगले सीन में हमें सिस्टर एलेक्जेंड्रा दिखाई देती है जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई रहती है। वो इस चर्च वाली लाइफ से ऊब चुकी होती है और बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अगली सुबह एलेक्जेंड्रा के पापा इलेरियो उसे मिलने आते हैं। वो कहती है कि उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले काफ़ी ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर एलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के पैसों की जुगाड़ हो सकती है, जिस पर उसके पापा साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है कि फिर से वहाँ थरकी माले लुड़को आ जाता है और उन्हें अपनी गंदी गंदी नज़रों से घूरना शुरू कर देता है। तीनों सिस्टर उसे देख लेती है और लुड़को की मिलकर गंदी गंदी गालियाँ देते हुए रामधुलाई कर देती है। इधर फादर टोमैसो सिस्टर द्वारा बनाए हुए कपड़ों को लेकर बेचने के लिए मार्केट की तरफ निकल पड़ता है, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात उस थरकी माले लुड़को से होती है। लुड़को कहता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टरों ने उसकी धुलाई कर दी है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी हैं। इस पर फादर टोमैसो उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज मत जाओ, बट लुड़को अपना पिछवाड़ा लेकर वहां से चला जाता है। अगली सीन में हमें लॉर्ड ब्रूनो दिखाई देता है जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ डिनर कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपने फाइनेंसेस और वॉर वगैरह के बारे में बता रहा होता है, बट उसकी बीवी का ध्यान तो पास ही खड़े अपने नौकर मसेटो पर होता है। दोनों के बीच में नैन मटक का चल रहा होता है। रात में दोनों पलंग तोड़ने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रांसिस्का मसेटो से कहती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है और उसे कुछ नहीं हो पाता है। इस पर मसेटो कहता है कि चलो तुम्हें खुश करने के लिए एक राउंड और मार लेते हैं। सेकेंड राउंड के दौरान कमरे में लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और इससे पहले कि वो देख पाता कि उसकी बीवी के साथ कौन रंगरलिया मना रहा है, मेसेटो अपना पिछवाड़ा लेकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर्स में आ जाता है जहां मेसेटो सोने का नाटक कर रहा होता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि कौन अभी दौड़कर आया है। मसेटो की दिल की धड़कन काफी तेज होती है, बट अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो पहचान नहीं पाता है कि वो कौन है, इसलिए वो मसेटो के पोनी टेल को काट देता है और कहता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसेटो उठता है और अपने सारे साथियों की पोनी टेल काट देता है। सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने के लिए आता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसका चुतिया काट दिया है। थोड़ी देर बाद क्वीन फ्रांसिस्का फिर से अपनी हवस बुझाने के लिए मसेटो के पास जाती है जो कि खुले में अपना काम कर रहा होता है। वो जबरदस्ती उसे चूमना शुरू कर देती है। ये खूबसूरत नज़ारा छत पर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो देख रहा होता है। वो अपने सैनिकों से मसेटो की गोटियाँ काट कर लाने को कहता है। मसेटो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते हुए मसेटो को फादर टोमैसो मिलता है जो कि नशे में धूत होता है। उसकी गाड़ी पलट चुकी होती है और वो नदी में बह रहे अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश में लगा होता है। मसेटो टोमैसो की मदद करता है जिसे इम्प्रेस होकर फादर टोमैसो उसे अपने साथ चर्च ले जाते हैं। रास्ते में वो उसे समझा देता है कि तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टरें तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर फादर टोमैसो मसेटो की मुलाकात मारिया से करवाता है। पहले तो वो मसेटो को चर्च में रखने के लिए मना करती है, बट टोमैसो के कहने पर उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मसेटो अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मसेटो के ऊपर वेपन तान कर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। दरअसल फर्नांडा को मसेटो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है और उसे बताती है कि यह नया ग्राउंड कीपर मसेटो है और गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की दोस्त मार्टा आती है और दोनों मिलकर कमरे में शराब पीने लगते हैं। कुछ ही देर बाद एलेक्जेंड्रा और जेनेवरा भी उन्हें ज्वाइन करती है।
चारों काफी इंजॉय करती है और जिनेब्रा और माटा दोनों मिलकर एक कदम आगे बढ़ते हुए सेक्स भी करने लगते हैं। अगली सुबह मेसेटो जमीन की खुदाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर मेसेटो से बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है और मेसेटो के साथ खुले में ही किस करना चालू कर देती है। मेसेटो भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अलेक्जेंड्रा के साथ एंजॉय करने लग जाता है कि तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इधर जेनेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है, तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। तीनों बीते रात के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि काफ़ी मज़ा आया। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो उस गूंगे मेसेटो की गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जेनेवरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता है क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी अलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेवरा फर्नांडा और उसकी फ्रेंड मार्टा को जंगल की ओर जाते देखती है। वो छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है जहां दोनों बेलाडोना बना रही होती है। मार्टा फर्नांडा के आंखों में बेलाडोना सिरप की दो बूंदें डाल देती है और उसकी उंगली में छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब कांड वहाँ झाड़ी में छिपी जेनेवरा देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्टा दोनों मेसेटो के कमरे में पहुंच जाती है जहां मेसेटो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। फिर हमें तीनों के बीच एक गर्मा गर्म थ्रीसम देखने को मिलता है। मार्टा और फर्नांडा अपनी हवस बुझाने में लगी होती है और इसमें मेसेटो भी बिना किसी भेदभाव के पूरा योगदान दे रहा होता है। अपनी प्यास बुझाने के बाद दोनों वहां से चली जाती है। अगली सुबह बिशप बोर्टोलोमियो चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आते हैं। टोमेसो और मारिया दोनों उन्हें चर्च का दौरा कराने ले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मेसेटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ घबाघब करने लग जाता है। इस खूबसूरत पल के दौरान कमरे में एक बुढ़ी नन आ जाती है। उस नन को देखते ही मेसेटो के मुंह से और शीट निकल जाता है जिसकी वजह से अलेक्जेंड्रा काफ़ी हैरान हो जाती है। फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हुए अलेक्जेंड्रा उस नन की मदद में लग जाती है और मेसेटो उस पलंग के नीचे छुप जाता है। दोनों का लक अच्छा रहता है, इसी वजह से उस बहरी बुढ़ी नन ने उन्हें रंगरलिया मनाते हुए नहीं देखा था। मेसेटो खिड़की से कूदकर भागने ही वाला होता है कि कमरे में बिशप टोमेसो और मारिया आ जाते हैं। एक बार फिर से मेसेटो पलंग के नीचे छुप जाता है और सभी के चले जाने के बाद वहां से निकल जाता है। इधर जेनेवरा भी बेलाडोना बनाने लगती है। वह उसे अपनी आंखों में डालने की बजाय पी लेती है जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ में कट लगाती है और उससे निकलने वाले खून को अपने गालों पर लगा लेती है। अलेक्जेंड्रा फिर मेसेटो के कमरे में जाती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। इतने में वहाँ जेनेवरा भी आ जाती है। अलेक्जेंड्रा जल्दी से भागकर एक कोने में छुप जाती है। बेलाडोना की नशे में धूत जेनेवरा कमरे में घुसते ही मेसेटो को चूमना शुरू कर देती है। तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है जहां उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और चाकू की नोक पर मेसेटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा दोनों उसका पीछा करने लगती है। जंगल में पहुंचकर उन्हें काफ़ी सारी नंगी चुड़ैलें दिखाई देती है। पास ही में रस्सी से बंधा मेसेटो भी पड़ा हुआ रहता है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ आ जाता है कि फर्नांडा और मार्टा मेसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। मार्टा मेसेटो को मारने ही वाली होती है कि वहां जेनेवरा पहुंच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्टा जेनेवरा को शांत कराने की कोशिश करती है बट नशे में धुत जेनेवरा उसके सर पर पास ही में पर एक डंडे से मारती है जिसे कि मार्टा की मौत हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी वहां आ जाती है और फर्नांडा को मेसेटो की हत्या करने से रोकने लगती है। इतने में मेसेटो भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगी जेनेवरा भागते हुए चर्च पहुंचती है और वहां चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेती है। शोर शराबा सुनते हुए बिशप भी उड़ जाता है। जेनेवरा बिशप से कहती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी वहां फर्नांडा अलेक्जेंड्रा और मेसेटो भी आ जाता है। बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाता है। तभी मारिया के कमरे से फादर टोमेसो भी बाहर निकलता है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मतलब उन दोनों का चक्कर चल रहा था। अगली सुबह बिशप सभी को सजा सुनाता है। वो फादर टोमेसो को एक मॉन्क बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर करवा देता है जहाँ सिर्फ मर्द ही रहते हैं। मेसेटो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है जहाँ वो उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। तीनों हॉर्नी सिस्टर्स आपस में एक दूसरे से गलत बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हुए दिखाई देती है। उन तीनों को मेसेटो की काफ़ी चिंता रहती है। इधर काल कोठरी में मेसेटो अपनी सजा काट रहा होता है कि तभी वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने अपनी पुरानी बीवी फ्रांसिस्का को जंगली सुअर और कुत्तों के साथ रखा हुआ है। वो कहता है कि जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा
तब तक वो उसे जिंदा रखेगा और तरह तरह के टॉर्चर मेथड्स के बारे में बताता है जो कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर किए जाएंगे। कुछ देर बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जलती हुई रहती है। उस कछुए को दरअसल उन तीनों सिस्टर्स ने वहाँ भेजा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे वहाँ से चले जाते हैं, सिस्टर्स वहाँ आ जाती है और मेसेटो को नन वाले कपड़े पहनाकर वहाँ से ले जाती है। जेनेवरा मेसेटो की जगह एक पुतला जेल में रख देती है जिसकी वजह से सैनिकों को लगता है कि वो मेसेटो ही है। चारों फिर आजाद पंछी की तरह जंगल में भाग जाते हैं। खुश तो होंगे ही क्योंकि रात को फौसम जो होने वाला था। इधर मारिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर टोमेसो से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं कि तभी उन्हें सिस्टर्स और मेसेटो की आने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दोनों छिप जाते हैं और उन सबके चले जाने के बाद एक दूसरे को देखकर हंसते हुए किस करने लग जाते हैं। एंड यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने जो प्यास और रेगिस्तान की बात करी थी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।